प्रीतम भाई, ये चैनल आप ही का चैनल है और जब भी आप इस चैनल को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है। उसी मनोबल के कारण मैं आपके लिए कृषि संबंधी वीडियो बनाते रहता हूँ। जैसा कि किसान भाइयों, ये जो देख रहे हो ये मेरी गिया की फसल है, ये गिया की फसल है और ये मेरी गिया की फसल अभी जाल पे चलना मतलब जाल के ऊपर छड़ना चालू हुआ है, स्टार्ट हुई है जाल पे। करीब करीब बेले अब 10 से 12 दिन के अंदर पूरी तरह जाल के ऊपर ये फैल जाएगी और कुछ कुछ जगह गिया के फल लगने भी चल हो गए हैं। कुछ कुछ जगह गिया के जो फल देख रहे हो आप, ये फल भी लगना चालू हो गए हैं। और मेरे मेरा तरीका जो गिया की फसल करने का है वो बहुत ही अनोखा तरीका है, लोगों से हटके तरीका है मेरे किसान भाइयों। और भारत में जितने भी कृषि वैज्ञानिक है तो उनसे भी अलग तरीका है मेरा, क्योंकि मैं प्राचीन सभ्यता से प्राचीन सभ्यता और साइंस को मिला के मैं कृषि करता हूँ। अब आप और ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, जैविक खेती करता हूँ, जीरो बजट की। मेरे किसान भाइयों, आप भी ऐसी खेती करा करो जिसके अंदर कुछ पैसा ना लगे, रुपए टक्का ना लगे, खर्चा ना हो और आपको आमदनी अधिक देखने को मिले। आज के जमाने के अंदर जो जहरीली दवाइयां है बहुत महंगी दवाइयां पड़ रही है और खेती का खर्चा बढ़ता जा रहा है दिन दिन। और इसी प्रकार से जो जहरीली दवाइयों के जो कंपनी वाले हैं, वो ही कंपनी वाले किसानों को लूट के खा रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, आज जहरीली कंपनी वाले भी ऑर्गेनिक दवाइयां निकालने लग गए हैं वही, और वह ऑर्गेनिक दवाइयां महंगी आ रही है, ऑर्गेनिक खाद महंगे आ रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, जो तरीका है करने का खेती का, इस तरीका आपको ऑर्गेनिक खाद भी बाजार में मिलता हो तो नहीं लेना है ऑर्गेनिक खाद, या बाजार के अंदर रासायनिक खाद मिलता है वो भी नहीं लेना है। आप लोगों को घर पे ही खाद तैयार करना है, उसी खाद की गुणवत्ता शानदार रहेगी। अब ये देख लीजिए, मैं गिया के पौधे को कैसे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स दूंगा, ये देखिए। अब ये जो बाल्टी के अंदर ये है, ये 10 से 15 दिन पुरानी ये छाछ हो गई मेरी, लस्सी छाछ। और ये 15 लीटर की बाल्टी है, 15 लीटर की बाल्टी के अंदर कम से कम 10-15 दिन पुरानी ये छाछ है। और 15 लीटर छाछ के अंदर मेरे किसान भाइयों, आपको कुछ नहीं करना है, 250 ग्राम चूना डाल दो इसके अंदर, जो चूना का टंटा आता है अपने घरों के अंदर कलर पेंट में काम लेते हैं, तो 250 से 300 ग्राम इस छाछ के अंदर चूना डाल दो और इसको हिला लो। और हिला के मेरे किसान भाइयों, आपको करीबन आधा किलो पाव छाछ ऐसे डालना है इसके अंदर। ये छाछ इसमें डाल दिया, ये डाल दिया हमने, ज्यादा छाछ नहीं डालना है, पाव से आधा किलो, मतलब इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हो। ये 15 लीटर छाछ है तो इसका मैंने 5 गुना पानी ऐड कर दिया इसमें, मतलब 15 लीटर छाछ के अंदर मैंने 45 लीटर पानी ऐड कर दिया है, तो 15 चौका 60 लीटर छाछ हो गई है। और 60 लीटर छाछ के अंदर करीब हम ये मान के चलो आप चूना डाल दो, 15 लीटर के अंदर आधा किलो चूना मान लो, तो इसी से एवरेज बना के आप चूना कमती पत्ती भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 लीटर छाछ के अंदर हो गया पानी, जैसे 15 लीटर छाछ थी 15 लीटर छाछ के अंदर 45 लीटर पानी मिला दो आप, तो कितने हो गई, 60 लीटर छाछ हो गई पूरी। अब 60 लीटर के अंदर आप 5 किलो चूना मिला दो आप, चूना मिला दिया 5 किलो, और 5 किलो नहीं मिलाओ तो 3 किलो चूना मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है कि थोड़ी बहुत छाछ लेनी है, इस तरह से मिट्टी का इसको गिया के प्रत्येक गिया के मिट्टी की खुदाई करनी है, जैसे हमने ये ठावना बना दिया चारों तरफ खुदाई कर दी, और इसके अंदर छाछ और चूने का पानी डालते जाओ हर पौधे के अंदर, और फिर ड्रिप को वापस ऐसे कैसे लगा दो। मेरे किसान भाइयों, मेरा यकीन मानो, न्यूट्रिएंट्स इस पौधे को इतना शानदार मिलेगा और चूना कैसे कैसे मिलेगा, और सड़ी हुई छाछ के अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स विटामिन आते हैं, और जो जड़ों के अंदर रोग है वो रोग तो स्वतः ही खत्म मर जाएंगे, और पौधे को बिल्कुल स्वतः पोषण मिलेगा। मेरे किसान भाइयों, एक आपको घी की फसल के अंदर एक नई क्रांति देखने को मिलेगी। हाँ, मैं मानता हूँ मेहनत जरूर है, पर ये कार्य आप सुबह शाम बैठते उठते कर सकते हो। सुबह 50 पौधे में
भी कर दिया, 50 पौधे हम शाम को कर दिया। शुद्ध ऑर्गेनिक खेती रह गया कि शुद्ध ऑर्गेनिक जो जो पोषक तत्व छाछ के अंदर है मेरे किसान भाइयों, वो पोषक तत्व आपको रासायनिक में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और जो गुणवत्ता चूने के अंदर है वो भी रासायनिक में नहीं मिलेगा आपको। तो छाछ को और चूने को आप ऐड करिए समान मात्रा के अंदर, बिल्कुल सही मात्रा के अंदर। समझ में नहीं आता तो कमेंट के अंदर और पूछ लीजिए मेरे से, मैं जवाब दूंगा कमेंट्स के अंदर आराम से। ऐसे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर भी है, तो आप बात कर सकते हो, पर सुबह शाम बात कर सकते हो। दोपहर में मेरा रेस्ट चलता है ज्यादातर, तो धूप ज्यादा पड़ती है। तो ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ छाछ चुने का, तो प्रति पौधे में देने का तरीका यही है। आप ये मत समझ ड्रिप के माध्यम से दे दे मेरे किसान भाइयों, कुछ चीजें ऐसी भी बनी हुई होती है कि पौधे को अपने को डायरेक्ट डालना पड़ता है। ड्रिप के अंदर मैं चलाता तो वो मजा नहीं आता जितना डायरेक्ट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ड्रिप के ये एक एक दूरी है, कम से कम ये 4-4, 3-3 फुट की दूरी पे मेरा एक पौधा लगा हुआ है ये का। तो ड्रिप के अंदर छेद जगह जगह आते हैं, तो ड्रिप के अंदर मेरी ये छाछ, ये फर्टिलाइजर जो भी छाछ है ये मेरे वेस्ट जाती है, तो मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ इसके अंदर। और भी मैं कई वीडियो बनाऊंगा मेरे किसान भाइयों, पर आपसे निवेदन है कि आप एक बार यह प्रयोग करके अपने गेहूं की फसल में देखना। आप चाहे आप घर के अंदर गेहूं की फसल लगाते हो, चाहे होम गार्डन में गेहूं की फसल गेहूं के पौधा लगाते हो, चाहे अपने घर में लगाते हो, चाहे आप अपने खेतों में गेहूं की फसल लगाते हो, किस तरह भी कोई से भी गिया हो, गिया के अंदर आप चूना और छाछ की मात्रा आप समान मात्रा में दोगे तो इसके अंदर नई क्रांति देखने को मिलेगी मेरे किसान भाइयों। फ्लोर भी शानदार आएगा इसके अंदर। और इसी प्रकार मैं आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा मेरे किसान भाइयों। बस अपने को भारत के अंदर प्रत्येक किसान भाइयों के पास ये जो वीडियो बनाता हूँ मैं, इसका प्रसारण प्रसार करो, व्हाट्सअप करो, शेयर करो, जो जागृत किसान हो। मेरे किसान भाइयों, किसान का दुश्मन है रासायनिक जहरीली कंपनियां, और वही जहरीली कंपनियां आजकल किसानों को गुमराह करने के लिए जैविक प्रोडक्ट तैयार कर रही है। और तो छोड़ो छोड़ो, बाबा रामदेव भी आजकल